तो भाई KTM RC 200 और KTM RC 125 दोनों में ही नए कलर आ गए थे, तो RC 390 पीछे कैसे रह सकती थी? Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervous. 390 का भी एक नया कलर आ गया जो आपके लोगों के सामने, जिसे अटलांटिक ब्लू के नाम से प्रोनाउंस किया जा रहा है, जो सामने आपको स्क्रीन पे भी चलता हुआ दिख रहा होगा, और बहुत ज़्यादा प्यारा कलर है। इस पूरी गाड़ी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि आप लोगों को 2024 में इस कलर के साथ साथ क्या क्या फीचर देखने के लिए मिलने वाले हैं, और कैसे ये सेगमेंट के अदर गाड़ियों को बीट करने की पावर रखती है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले एक बार गाड़ी का 360 व्यू देख लो, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि पहले जो आया करते थे वो ऑरेंज कलर के अलॉय के साथ आती थी, तो लोग बहुत ज़्यादा वो होते थे कि यार इतना ज़्यादा ऑरेंज ऑरेंज नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में आप लोगों के लिए ये गाड़ी पूरी डेफिनेटली बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो ये स्पार्कल आप लोगों को दिख रहे हैं ना, जस्ट लाइक मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ पास से, कि ये जो कलर है अटलांटिक ब्लू वाला, ये नॉर्मल ब्लू नहीं है। जस्ट लाइक इसके अंदर आपको ये छोटे छोटे स्पार्कल्स है ना, ये भी दिख रहे होंगे, ये पूरी ऑल ओवर पूरी बॉडी पे है। जस्ट लाइक आगे वाला जो इसका फेस दिखता है, टिंटेड ब्लैक देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको कोई बाहर से रैप वगैरह कराने की या वैसे कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो साइड पोर्शन है ये ऑरेंज के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे RC लिखा हुआ देखने के मिल जाएगा, 390। इसे हम GP एडिशन भी बुला सकते हैं। और पीछे की तरफ आते हैं तो एज यूजुअल सिंपल वही कलर अटलांटिक ब्लू, नीचे ब्लू का वेरियंट, चेसी अपने ब्लैक कलर की, यहाँ पर अपना वही छोटा सा कॉम्पैक्ट सा मफलर, और बैकलाइट इसकी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब थोड़ा सा डिटेल में आते हैं कि आप लोगों को ये गाड़ी मिलने कितने की वाली है। तो RC 390 ऐसी गाड़ी है जो मिनिमम शोरूम पे मिलती है, जिसमें से एक शोरूम ये है। शोरूम की डिटेल्स और नंबर सामने आपको स्क्रीन पे चलता हुआ दिख रहा होगा, और नहीं भी दिख रहा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अपनी गाड़ी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ इस शोरूम में खड़ी RC 390 और अपनी जाकर गाड़ी ग्रैब कर सकते हो। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 372,000 की आपको ये ऑन रोड देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये जो इसका प्रीवियस वाला कलर था ना, और ये जो नया वाला कलर है, दोनों में प्राइस का कोई भी डिफरेंस नहीं है। प्राइस एज यूजुअल सेम है, जो पुरानी वाली के आया करते थे वही इसी के आते हैं, तो प्राइस में 19-20 का भी फर्क नहीं है। आप सोचो कि पुरानी वाली या नया कलर आ गया तो नया कलर महंगा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कलर पे खेलता है यामा को देखना चाहिए कि यामा छोटे छोटे कलर पे पैसा बढ़ा देता है, तो इसमें ऐसा नहीं है। KTM में आपको सारे कलर ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे मिलने वाले। इंजन की बात करूं तो 373 cc का लिक्विड कूल्ड FIBS6 कॉम्प्लाइंट इंजन मिल जाएगा। BHP की बात करूं तो 43 के अप्रॉक्स आपको BHP मिल जाएगा, और NMS का 38। और ये सिर्फ स्पेक्स पे मत जाना, ये एक सिंगल ऐसी गाड़ी है KTM की जो आपको इंडियन मार्केट में मिलती है, जो KTM की सारी गाड़ियों से पावरफुल है। और आप किसी भी कॉम्पिटिटर या किसी भी गाड़ी से कंपेयर करो उसको, तो इनिशियल में तो मुझे लगता है आसपास में कोई भी इसके सेगमेंट की ऐसी गाड़ी नहीं है जिसको ये छोड़ती हो। जस्ट लाइक आप ड्यूक 390 को भी अगर इससे कंपेयर करोगे ना, तो इनिशियल इसका ज़्यादा हाई है। स्पेक्स पे जाओगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि वो ज़्यादा हाई होंगी, बट अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो एक कॉन्टीनेंटल GT 650 ले लो, R3 ले लो, या अब जो मार्केट में एप्रिलिया 457 आ रही है उसका तो हमें कह नहीं सकते, पर ऑलमोस्ट जितनी भी गाड़ियाँ आती है 300-400 cc के सेगमेंट में या प्राइस सेगमेंट में, तो इनिशियल में तो भाई ये किसी को नहीं बख्शती है। और टॉप एंड भी इसका ड्यूक से अच्छा खासा है, तो जो लोग टॉप एंड के शौकीन है तो वो भी इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। फीचर में भी आएंगे, बहुत सारे फीचर इसके अंदर नए नए भी हैं, वो सारी चीज़ें भी जानेंगे। इंजन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ब्रेक का मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। 230 mm की यहाँ पे आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेगी, जो कि ये रही, और जो नीडलेस पार्ट था ना जिसकी ज़रूरत हमें थी ही नहीं, वो यहाँ से निकाल के एकदम रिड्यूस कर दिया। वेट का भी काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हुआ, 172 kg इसका कर्व वेट है, तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जो नीडलेस पार्ट था वो सारा का सारा निकाल दिया। बहुत लाइट वेट इसके अलॉय हैं, पर इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये भी मिलता है कि आप इससे ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते। अगर कर भी रहे हो तो छोटी मोट मिनिमम से करना, ज़्यादा करोगे तो भाई इसके अलॉय थोड़े से बैंड होने के चांसेस रहते हैं। बाकी इसके लाइट वेट होने का एक कारण ये भी है कि इसके अलॉय बहुत ज़्यादा लाइट है। फ्रंट टायर की बात करूँ तो 110 सेक्शन का आपको यहाँ पे मेटजिलर का रेडियल टायर देखने के लिए मिलेगा। तो टायर को लेके भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है कि यार मेरे को रेडियल टायर नहीं मिल रहा, मुझे छोटे टायर मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस गाड़ी के हिसाब से मेटजिलर वन ऑफ द बेस्ट टायर है, और KTM की ऑलमोस्ट मोस्टली गाड़ियों में जो पावरफुल गाड़ी है मेटजिलर ही आ रहे हैं, तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है। आगे वाला मडगार्ड आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर का मिलेगा, WP के अपेक्स, जो कि इनकी मोस्टली सारी गाड़ियों के अंदर आते हैं। पीछे की तरफ अगर मैं आऊं
तो यहाँ पे आपको 150 सेक्शन का 150 60 17 इंचेस का यहाँ पे रेडियल टायर देखने के लिए मिलेगा जो कि मैटजिलर का है, और टायर ये भी रेडियल है, ये भी ट्यूबलेस है। तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी, ना फ्रंट टायर को लेके ना बैक टायर को लेके कि मेरे को कोई कॉम्प्रोमाइज़ करनी है। अगर आप लीन वगैरह के शौकीन हो ना, हार्ड एंड फास्ट चलाते हो 24 आवर्स कि हाँ मेरे को तो पावर लिए, मैंने पावरफुल बाइक ली है तो मैं पावर को पूरा इन्जॉय करूँगा, तो उस कंडीशन में भाई ये टायर आपका बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ने वाले। इवन आप वेट रोड पर चलाओ या ड्राई रोड पर चलाओ, चाहे आप ऑफ रोडिंग में अगर छोटी मोटी ले जा रहे हो तो ठीक है, वरना प्रॉपर ऑफ रोड के लिए तो इसके अलावा मैंने बने नहीं बता ही दिया, बने नहीं है। पिछली जो रियर डिस्क है वो थोड़ी सी आपको छोटी मिलेगी, मतलब नई वाली ड्यूक 390 के हिसाब से जो जनरेशन थर्ड आई है, बाकी ऑलमोस्ट इन हिसाब की गाड़ियों में सेम है। 230mm की आपको आपको रियर डिस्क देखने के लिए मिलेगी, डुअल चैनल ईबीएस है गाड़ी के अंदर, फोर पिस्टन कैलिपर आ गया है। तो ब्रेकिंग को लेके भी, क्योंकि गाड़ी के अंदर क्या होता है ना, या बाइक के अंदर क्या होता है कि हम जिस हिसाब से पावर को इन्जॉय करते हैं ना, उस हिसाब से हमें इंस्टेंट रिप्लाई भी चाहिए होता है ब्रेक का। तो वो ब्रेक और टायर का जब कंबाइन मिक्सचर मिलता है तब हमें जाके गाड़ी पे अच्छा फीडबैक आता है, और वो अच्छा फीडबैक आने के लिए हमें ब्रेकिंग भी अच्छी चाहिए। तो फोर पिस्टन कैलिपर है तो उस चीज़ में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छी बात कह लो या बुरी बात कह लो, इस गाड़ी की जो हाइट है वो है, सीट हाइट है वो है 835mm। तो मेरे जैसे शॉर्ट राइडर्स ये देख लो, 5.5 feet मेरी हाइट है, तो मेरे तो पैर भैया आने से रहे। और बाकी अगर स्किल्स भी मैटर करती है, आप लोगों का अगर स्किल्स फुल बंदे हो तो आराम से इजीली चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मेरे अकॉर्डिंग या मेरे अनुसार कि टास्क आप लोगों के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो शॉर्ट राइडर थोड़ा सा दूर रहना, जो 5.2 या 5.3 के आसपास वाले लोग हैं ना की तरफ चले जाओ, या वेट कर लो 5-6 महीने में इसका एक नया वेरिएंट आने वाला है, पर उस पर मैं अभी कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहता क्योंकि वो एक सिर्फ एस्पायर शॉट है, वो कब लॉन्च होगी कब नहीं होगी वो वी डोंट नो। सीट की कुशनिंग मैं थोड़ा सा कंफर्ट बताता हूँ। देखो इसका कंफर्ट ना RC 390 की ऐसी सिंगल गाड़ी है कि KTM की सारी सीटों में, मतलब कि जितनी भी ऑलमोस्ट सारी बाइकें आप लोगों को दिख रही होंगी, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट इसकी ही है। जस्ट लाइक इसकी कुशनिंग वगैरह ये देख लो, पर कुशनिंग ही अच्छी है। अगर आप सोचो मैं पिलियन के साथ चलूं, तो वो फीडबैक आपको कभी अच्छा नहीं आने वाला, क्योंकि ये गाड़ी बनी है प्रॉपर सुपर स्पोर्ट्स या ट्रैक पर्पज़ से। तो ट्रैक पर्पज़ के हिसाब से आप इस गाड़ी को अगर पिलियन के साथ चलाते हो तो थोड़ा बहुत किलोमीटर तक तो आप इजीली चला लोगे, पावर की वजह से भी आप इसको अच्छा खासा चला लोगे, पर जो आपके टास्क है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि फैमिलियर बाइक तो ये है नहीं कि आप सोचें मैं अपने पेरेंट्स वगैरह को लेकर इस पर चलूँ। और बाकी अगर आप गर्लफ्रेंड वगैरह लेकर ले जाते हो तो खुश हो जाओगे। मीटर में दिखा देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे रेडी टू रेस लिखा आता है, 5 inch का आपको यहाँ पे TFT डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, जिसको आप यहाँ से मनोवर कर सकते हो। स्विचेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, आप किसी भी ब्रांड की किसी गाड़ी से कंपेयर करोगे ना, ये कहीं भी पीछे नहीं रहने वाली है। अब मैं आता हूँ आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या मिलता है। KTM माई राइड में जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑडियो पार्किंग या मतलब अपना फ़ोन कनेक्ट करके वो सारी चीज़ें यहाँ से आप हैंडल कर सकते हो। टिप्स एंड डाटा, मतलब ट्रिप्स एंड डाटा यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपने लास्ट ट्रिप कितनी चलाई थी, और वो सारी चीज़ें तो बेसिक है, मोटरसाइकिल में आते हैं। यहाँ पे आपका ABS स्विचेबल ABS मिलेगा, मतलब आप पीछे वाले अपने ABS को, मतलब अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या स्किट करने के शौकीन हो तो अपने पीछे वाले ABS को भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, जिसे हम सुपर मोटो के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, जो मैं डेली अपनी बाइक में यूज़ भी करता हूँ। MTS भी मिलता है, मतलब मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल। अब क्या है ना कि लोग, ये पावरफुल इतनी गाड़ी है ना कि इसमें अनकंडीशनल विली भी लग जाती है। अगर आप झटके से थ्रॉटल करोगे या आपने पीछे कोई लगेज बांधा हुआ है और आप एकदम भगाने की सोच रहे हो, तो ये दूसरे गियर में भी विली मार सकती है, इतनी ज़्यादा पावरफुल ये गाड़ी है। तो उस कंडीशन में क्या है, इसके अंदर आया है ट्रैक्शन कंट्रोल। जैसी आपकी गाड़ी स्किट होने वाली होगी या गाड़ी ट्रैक्शन खोएगी, आपका टायर हवा में जाएगा, तो उसी कंडीशन में गाड़ी की थोड़ी सी पावर कट हो जाएगी और आपकी गाड़ी डाउन हो जाएगी और रोड से एकदम चिपक के चलेगी, कभी भी आपको गिरने जैसी नौबत नहीं आने वाली है। तो ये एक बेहतरीन फीचर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। और साथ ही साथ क्विक शिफ्ट देख रहे हो ना, प्लस ये रहा क्विक शिफ्ट ऑन एंड ऑफ, इसके अंदर आता है भाई क्विक शिफ्टर प्लस ऑटो ब्लीपर जो कि सेंसर बेस्ड है। आप इसको भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, अगर आपको मतलब एकदम रॉ गाड़ी चलाने के शौकीन हो तो आप इसको रॉ चला लो, आप इसको क्विक शिफ्टर को ऑन एंड ऑफ कर दो, और अगर आप फीचर के लुक उठाना चाहते हो तो आराम से नॉर्मल जैसे गाड़ी आई है वैसे चलाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। और क्विक शिफ्टर का यूज़, ऑटो ब्लीपर का यूज़ कैसे होता है वो भी मैं एक छोटा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। ना आपको क्लच दबाना, ना आपको रेस कम करनी अपनी गाड़ी की, आप रेस देते देते भी बिना क्लच दबाए अपनी गाड़ी के जो गियर है अप एंड डाउन कर सकते हो। 6 speed का आपको यहाँ पे गियर बॉक्स देखने के लिए मिलेगा जो कि मैनुअल रहेगा। टॉप स्पीड की बात करूँ तो 178 या 180 आराम से इजीली टच कर देती है, और ज़्यादा भी जा सकती है। हम अभी तक फिलहाल इतना ही लेके गए जब हमने ट्रैक रेस वगैरह करी थी। तो ये सारी चीज़ें रही गाड़ी के रिगार्डिंग। और कर्व वेट मैंने बता ही दिया था इसका 172 kg है, तो 172 kg ठीक है, ऑलमोस्ट इसके सेगमेंट के आत्मा जितनी गाड़ी है वो इससे भारी ही है, यही है थोड़ी बहुत जो हल्की मिल रही है आपको, इस फेयर्ड में बता रहा हूँ मैं, बाकी नेकेड तो ड्यूक इससे हल्की ही है। अब एक चीज़ रह गई है वो मैं आपको बता देता हूँ,
देख तो जो नई वाली ड्यूक 300 है उसमें तो भाई एग्जॉस्ट आता नहीं है, और होप सो जो अब नया जनरेशन आएगा उसके अंदर भी एग्जॉस्ट नहीं आएगा। इसके अंदर आता है मफलर ये वाला, जो कि बहुत अच्छा है, एक्रोपॉविक्स टाइप का कुछ देखने में लगता है और बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है आउट ऑफ मार्केट हमने लगवा रखा है। साथ ही साथ 13.7 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाएगा, और फ्यूल टैंक के साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ जो ऑनरों ने मुझे बताया अभी तक कि इसकी जो माइलेज है ना, ऑलमोस्ट अगर आप नॉर्मल चलाने वाले बंदे हो तो 25 to 28 के बीच में मिल जाएगी ईजिली, अगर आप नॉर्मल चलाते हो हार्ड एंड फास्ट या हाई आरपीएम पे नहीं चलाते, और अगर आप 18 प्लस चलाते हो या 80 से ऊपर जैसी जाते हो या 70 से ऊपर जैसी जाते हो हाई आरपीएम पे, या नॉर्मल आप हमेशा हाई आरपीएम पे चलाते हो सिटी में चलाते हो, तो ये गाड़ी 18 तक पे भी पहुंच जाती है। तो माइलेज की अगर आप सोच रहे हो तो पहले से ही माइंड को कंसर्न करके रखना कि इसकी माइलेज अच्छी नहीं है, ये मैंने बता दिया। दूसरी बात, इसके मिरर में एक बहुत अच्छी खासियत है, अगर आप इतना खोलना चाहो, जस्ट लाइक इतना खोलना चाहो, अगर आप किसी बाजार वगैरह में चल रहे हो या सिटी वगैरह में चल रहे हो तो आप इतना खोल के भी पीछे का विजिबल देख सकते हो, कोई बहुत अच्छा दिखता है, कोई बुरी बात नहीं है, बढ़िया दिखता है। और आप चाहते हो कि मुझे और ज़्यादा विजिबिलिटी चाहिए, जस्ट लाइक मैं आप हाईवे पे हो, तो उस कंडीशन में आप इसको पूरा डाउन करके भी देख सकते हो, तो जिससे और ज़्यादा विड्थ है और पीछे की जो और ज़्यादा विजिबिलिटी है वो और ज़्यादा आप लोगों को मिरर में देखने की मिलती है। आप इसको ऐसे बंद भी कर सकते हो, ऐसे बंद करके ऐसे यहाँ से भी खोल सकते हो, तो ये एक छोटा सा फीचर है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस गाड़ी के अंदर। इसके अंदर भाई एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लीवर एंड क्लच लीवर दोनों आते हैं, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि आपको ना बाहर मैकेनिक से कुछ काम कराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ब्रेक ऐसा लग रहा है कि दूर है या पास है या ब्रेक की बाइट नहीं आ रही है, आप यहीं से इजीली मनोवर करके या इजीली 1, 2, 3 पे इसके लेवल लिखे हुए हैं उस पर जाके हार्ड टाइट एंड स्लो कर सकते हो। आपको विली वगैरह मारनी है तो यहाँ पे एडजस्ट करके अपने क्लच लीवर को वो भी छोटा पास दूर कर सकते हो, तो ये एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और अगर इस गाड़ी में कुछ रह रहा है वो है भाई इस गाड़ी के इंडिकेटर और लाइट्स, जो कि विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। मैं आरसी 200 पे देख चुका हूँ, तो ये तो फिर भी आरसी 390 है, इंडिकेटर्स यहीं पे टर्न करते हैं, और हैजार्ड जैसा कोई फीचर नहीं है इसके अंदर, जस्ट लाइक ये रहा बॉडी के अंदर ही इनबिल्ट है। और ये इसके जो नीचे दिख रहे हैं ना इंडिकेटर के नीचे, इंडिकेटर और DRS दोनों कंबाइन है, हेडलाइट्स यहाँ पे लो बीम एंड हाई बीम है, तो हेडलाइट्स को लेके भी आपको कोई, मेरे को लगता नहीं है कि एक्सटर्नली लाइट या छोटी ऑक्सिलरी लाइट लगाने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, टूर वगैरह जा रहे हो, अगर आपका लॉन्ग टूर है तो आप उस कंडीशन में रोड ट्रिप पे लगा सकते हो, वरना ऐसे कोई खास जरूरत तो इसकी भाई मेरे को लगती नहीं है। और एक बेहतरीन चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो मुझे हमेशा से इस गाड़ी की पसंद आई, उसके बाद मैं वीडियो को एंड करता हूँ। ये पीछे इसकी बैक लाइट, पूरा R1 जैसा इसका पूरा लुक आता है भाई पीछे से। R1 से वैसे मैं कंपेयर नहीं कर रहा, पर इसकी जो एक स्ट्रेट लाइट है ना, ये बहुत प्यारी लगती है। कई लोगों ने इसको कॉपी करने की कोशिश भी की अपनी बाइकों में या करवाने की कोशिश की, पर जो रॉ लुक है ना वो इसी की अच्छी आती है, बाकी मॉड तो मॉड है, आप जितना मर्जी करा लो। बस और तो इतना कुछ खास इस गाड़ी के अंदर चेंजेस आया नहीं है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आप एज सून एज पॉसिबल, मतलब जल्द से जल्द इस गाड़ी को लेते हो ना, तो आप लोगों के लिए एक फ़ायदा हो जाएगा कि आपको गाड़ी का जो मैंने प्राइस बताया 3,72,000 उसी प्राइस में मिल जाएगी, क्योंकि इस गाड़ी के या मतलब ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों के प्राइस अभी, जैसे ये मंथ एंड चल रहा है ना मार्च का, अभी ये बजट निकलेगा, इसके बाद ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां जो हैं 1,000, 2,000, 3,000 महंगी हो सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप कोशिश करें जल्दी से जल्दी आप 2,000-4,000 रुपये देखिए भी अपनी गाड़ी की बुकिंग करा लें, बाद में चाहे ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन सारी गाड़ियों के साथ आपको एक ऑफर भी मिल सकता है, जो आपको सामने स्क्रीन पे एक हेलमेट शो हो रहा है ना, वो हेलमेट भी आपको प्रोवाइड हो सकता है। बाकी जो एडवेंचर बाइकें खड़ी हैं या और भी, ये विटपिलियन 401 खड़ी है और ये 250 खड़ी है, इन सारी बाइकों के ऊपर भी बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप जल्द से जल्द ले लेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना जैसे ये बजट पास हुआ ना 31 मार्च के बाद, तो फिर भाई देख लेना थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार पे ऑलमोस्ट KTM के नहीं, ऑलमोस्ट यामाहा ले लो, बजाज ले लो या TVS ले लो, सबकी गाड़ियों पे 1,000-2,000-3,000 रुपये बढ़ सकते हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ है। बाकी वो सारी चीज़ें चेक कर लेना, और यही कुछ है आज की वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई भी इस गाड़ी को लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके भाई से कॉन्टैक्ट करना, अपने सौरभ भाई आपको आराम से मिलेंगे, मोती नगर में अपना शोरूम है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।